नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में जहां सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे को झटके लग रहे हैं, अब एक और झटका इस कतार में जुड़ गया है। या दोस्तों, उद्धव ठाकरे को एक और तगड़ा झटका लगा है और वो झटका सीधा कोर्ट से लगा है। मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारे पास जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यहाँ से हाईकोर्ट से झटका लगा है क्योंकि उन्होंने याचिका डाली थी। ये याचिका किस संदर्भ में थी? ये याचिका चुनाव चिन्ह के संदर्भ में थी, जिस पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने पर, चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल करने पर, पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था उसको इस्तेमाल करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और उसके बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह सौंपे गए। लेकिन उद्धव ठाकरे जो थे, उद्धव ठाकरे को ये फैसला रास नहीं आया और उन्होंने इसको चुनौती दी हाईकोर्ट में। लेकिन सुनवाई करते वक्त देखिए, हमारे पास जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से ये कहा गया है कि प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है, इसलिए हम इस फैसले को गलत नहीं मानते हैं। कोई भी जो फैसला सामने आया है अभी इस फैसले को हम सही मानते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखेंगे तो दोनों गुटों में यहाँ झड़प हो गई थी इस फैसले को लेकर कि असली शिवसेना किसकी है। शिंदे कह रहे थे कि उनकी असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे का कहना था कि उनकी असली शिवसेना है, और उद्धव ठाकरे ने बकायदा इसी लड़ाई को आगे जारी रखते हुए कोर्ट में याचिका डाली, जिस पर अब दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बयान दिया है कि ये जो फैसला लिया गया है इसमें कोई गलती नहीं है, आदेश बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसीलिए इस आदेश को आपको मानना ही पड़ेगा। अब उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका तो है ही, लेकिन बीएमसी चुनाव की अगर मैं बात करूं तो बीएमसी चुनाव दोस्तों नजदीक है। ऐसे में शिंदे गुट को इसका फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।